चाइनीज स्मार्टफोन जो कि सैमसंग का M21, और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और टेक डिसाइड पे ये पहला एम सीरीज का स्मार्टफोन है जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इसे परचेस क्यों किया, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि 15,000 के अंदर हम चाइनीज स्मार्टफोन नहीं खरीदना चाहते, हमें सैमसंग का स्मार्टफोन कौन सा बेस्ट है वो बताइए। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया और देखा कि ये सच में एक बेस्ट स्मार्टफोन है। अब मैं इसे खरीद करके इसके बारे में डिटेल में जानूंगा और आपको भी बताऊंगा कि ये सच में बेस्ट स्मार्टफोन है या नहीं, तो आपको भी एक बेटर आइडिया लग जाएगी। और उसके ऊपर बहुत से मैं टेस्ट भी करूँगा, पबजी हो या फिर बैटरी ड्रेन हो, 6000 mAh की बैटरी है तो क्या सच में एक अच्छा बैकअप मिलता है या नहीं, और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए करते हैं इसके अनबॉक्सिंग, और आपके कोई भी सवाल हो मुझे उसे बताना और कमेंट भी करना, साथ में लाइक करना अगर पसंद आया तो। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा सैमसंग M21, अब करते हैं इसे अनबॉक्स। और यहाँ पे बॉक्स के ऊपर कुछ मेंशन नहीं किए गए स्पेक्स, डायरेक्टली हम करते हैं इसे अनबॉक्स। तो चलिए ओके, तो ये हो चुका है इसका सील ब्रेक। ओके, तो ये रहा इसका, ऑनलाइन मैंने इसे परचेस किया है तो ये इसका जो है वो अमेजोन से आया है, तो इसका ये है बिल। और यहाँ पे इसकी प्राइस आप देख सकते हो कुछ 13,999 रुपये। ओके, अब ये बॉक्स के ऊपर साइड में छोटा सा एक और बॉक्स है। अब इसमें है सिम इजेक्टर टूल पिन, और ये है क्विक स्टार्ट गाइड, लेकिन इसमें आपको बैक केस देखने नहीं मिलती तो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। तो ये है, इस तरह से आप देख सकते हो ब्लू कलर में ये स्मार्टफोन आपको देखने मिलता है, और सच में फिनिशिंग वगैरह अच्छी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये चीप प्लास्टिक लगता है, लेकिन मुझे देखने में इतना चीप नहीं लग रहा है। यहाँ पे ट्रिपल कैमरा आप देख सकते हो, ये है फिंगरप्रिंट सेंसर, फिजिकल है, इन डिस्प्ले नहीं है। और अगर आप देखो IMEI नंबर यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। ये है फ्रंट वाला लुक। अब इसे थोड़ा साइड में रखते हो, इसमें बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो चार्जर है ये नॉर्मल 15 वाट वाला ही है, तो यहाँ पे सैमसंग का ये पसंदीदा चार्जर है, क्योंकि हर एक फ़ोन के साथ में 15 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने मिलता है, तो ये नॉर्मल चार्जर है, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अब ये देखना होगा कि 6000 mAh की बैटरी को कितने देर में चार्ज करता है। अब मेरे पास में तो इतने बड़े बैटरी वाला फ़ोन नहीं था, अब तक मैं A-series का स्मार्टफोन यूज़ कर रहा था। अब ये है टाइप सी वाली केबल, तो ये है टाइप A2 टाइप सी वाली केबल, इस तरह से आप देख सकते हो। केबल की साइज़ जो है वो छोटी है, ज़्यादा बड़ी केबल नहीं है दोस्तों। तो ये रहा सैमसंग गैलेक्सी M21, और ये मैंने परचेस किया अमेज़ॉन से। ये मेरे पास में है 4GB RAM 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस जो है वो 14,000 रुपये। जब ये लॉन्च हुआ था तो इसके बेस वेरिएंट की प्राइस थी 12,900 कुछ इस तरह से थी, लेकिन अभी थोड़ी इसकी प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है। इसके अंदर जो अगला वेरिएंट है 6128, उसकी प्राइस के लिए आपको जो है वो 2 से 3 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। इसमें आपको दो कलर मिलते हैं, मेरे पास में ब्लू कलर, और आप इसमें ब्लैक भी खरीद सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की सबसे पहले, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो डिस्प्ले मिलता है वो सच में एक अच्छी डील आपके लिए साबित हो सकता है। इसमें आपको मिलता है 6.4 इंच का एक फुल HD+ का सुपर एमोलेड का डिस्प्ले। अब इसमें डिस्प्ले जो है वो सुपर एमोलेड है तो बात ही नहीं है, क्योंकि सैमसंग के डिस्प्ले सच में अच्छे होते हैं, और यहाँ पे आपको जो वीडियो का एक्सपीरियंस है वो अच्छा होने वाला है। गोरिल्ला ग्लास 3 की है इसमें आपको प्रोटेक्शन, और साथ ही में इसके बेजल्स है वो बहुत ही कम है, इन्फिनिटी यू का कटआउट है। नीचे की जो यहाँ पे जो चिन है वो थोड़ी सी मामूली बड़ी है, लेकिन यहाँ पे चलता है क्योंकि डिस्प्ले यहाँ पे सुपर एमोलेड है, और प्राइस भी 14,000 रुपये इस रेंज में आपको सैमसंग दे रहा है फुल HD+ के साथ में सुपर एमोलेड का डिस्प्ले। तो यहाँ पे डिस्प्ले के लिए एक थम्स अप है। अगर मुझे मार्क्स देना होता है 10 out of 10, तो मैं 10 out of 9 देता है इसके डिस्प्ले के लिए, और एक मार्क जो है वो कट करता इसके नीचे के चिन के लिए। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो बॉटम में आपको मिलता है हेडफोन जैक, टाइप सी का पोर्ट, एक माइक्रोफोन और साथ ही में स्पीकर ग्रिल्स। राइट साइड में अगर बात करें तो आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन, और साथ में आपको ऊपर मिलता है कि वॉल्यूम अप एंड डाउन की। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है ट्रिपल सिम स्लॉट, और ऊपर बाजू है आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक। जो इन हैंड फील है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत बड़ी बैटरी है 6000 mAh की, इसके बावजूद भी इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है। 188 ग्राम इसका वेट है, लेकिन हाथ में ये फील नहीं होता क्योंकि ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगता। अब बात करते हैं इसके प्लास्टिक बैक की, तो यहाँ पे जो सिंपल सा प्लास्टिक है, सोबर है, कुछ नया डिज़ाइन नहीं है, एकदम एलिगेंट आपको लगता है, और ज़्यादा कुछ सितारों की दुनिया नहीं है, तो यहाँ पे ये प्लास्टिक थोड़ा सा चीप लगता है और बोरिंग सा लगता है आपको, अगर आप कंपेयर करते हो A-series के मुकाबले में। जैसे कि मेरे पास में A51, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे चमक धमक की दुनिया है, सितारों से भरी यहाँ पे बैक प्लास्टिक है जो कि थोड़ी सी प्रीमियम लगती है, और यहाँ पे थोड़े से टेक्सचर डिज़ाइन भी आपको देखने मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी चमक धमक सितारों की दुनिया या फिर ऐसा कुछ ग्रेडिएंट लुक देखने नहीं मिलता। बस सिंपल सा लुक है, ग्लॉसी डिज़ाइन है, प्लास्टिक है जो कि थोड़ा सा इसके मुकाबले में थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर लगता है। इसके ऊपर फिंगरप्रिंट भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो आपको बैक केस तो लगाना ही पड़ेगी। साथ ही में यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई, जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पे जो बैक में जो प्लास्टिक है
फ्रेम के साथ में इसको जो है ऊपर से मोल्ड कर दिया है, तो यहाँ पे अलग से फ्रेम देखने नहीं मिलती। अगर ए सीरीज की बात करें तो प्लास्टिक अलग से पीछे से, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम भी है, और इसकी फ्रेम भी आपको अलग से देखने मिलती है। यहाँ पे यही फ़र्क है कि अगर आप ए सीरीज़ यूज़ कर रहे थे तो आपको, अगर आप इसके ऊपर स्विच करते हो तो आपको इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी या फिर इसका डिज़ाइन या फिर इसकी जो इन हैंड फील पसंद नहीं आएगी भाई, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा बैक आपको देता है, वो एक सिंपल और सोबर लुक के साथ में आता है। तो अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके बैक साइड से तो वो बिल्कुल आपके लिए ये फ़ोन नहीं बना है। तो अगर आप सिर्फ लुक के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हो तो मेरे हिसाब से M21 फिर M सीरीज़ के कोई भी स्मार्टफोन आपको परचेस नहीं करने चाहिए। यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके थिकनेस की, तो यहाँ पे बड़ी बैटरी होने की वजह से थोड़ा सा मोटा फ़ोन है, और यहाँ पे अगर बात करते हैं A सीरीज़ के सभी फ़ोन जो है वो पतले होते हैं। तो ऐसे में अगर आप पतले फ़ोन यूज़ करने के यहाँ पे बिल्कुल जो है आपको आदत लग चुकी है तो ये फ़ोन आपको थोड़ा सा हेवी लगेगा, लेकिन आप डे टू डे अगर इसे यूज़ करना चाहते हो तो बाद में आपको ये जो है वह आदत पड़ी जाएगी। तो इतना भी ये मोटा नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करते हो ए सीरीज़ से तो ये थोड़ा सा उससे जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा मोटा ज़रूर से आपको नज़र आता है। अगर इसे कैमराज की, तो रियर में आपको तीन कैमरा देखने मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और 5 MP का डेप्थ कैमरा है। साथ ही में एक LED फ्लैश लाइट है। कुछ सैंपल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायनेमिक रेंज अच्छे से कैप्चर करता है, साथ ही में यहाँ पे जो है वो कलर भी बूस्ट आते हैं और डिटेल भी अच्छी है। सेल्फी कैमरा की अगर आप बात करो तो 20 MP का सेल्फी कैमरा है, और सेल्फी के कुछ शॉट्स है जैसे आप देख सकते हो, लाइव सेल्फी यानी कि लाइव फोकस मोड में भी यहाँ पे अच्छे से बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं ऑप्शंस कैमरा की, तो यहाँ पे आपको कैमरा में अलग अलग ऑप्शन देखने मिलते हैं, जैसे कि आपको लाइव फोकस मोड तो मिलता ही है, और यहाँ पे जो है आप वीडियो जो है वो वाइड एंगल से भी जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। मोर में जाने के बाद में आपको प्रो मोड, पैनोरामा, साथ में फूड, नाइट, सुपर स्लो मोशन हाइपरलैप्स और AR इमोजी भी आपको देखने मिलता है। साथ में बात करें इसके 4K रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, तो आप यहाँ पे जो है वो 4K रिकॉर्डिंग भी इससे आप कर सकते हो। तो एक अच्छी बात है कि इस प्राइस रेंज में आपको ये कैमरा के साथ में 4K रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो कैमरा में बहुत से फीचर्स है और अपडेट के साथ में और भी फीचर्स ऐड होते रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा में भी यहाँ पे आपको निराश नहीं करता, और 14,000 के रेंज में कैमरा इसका एक अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। इसके परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें आपको ऑक्टाकोर एक्सिनॉस का 9611 देखने मिलता है, जो कि 10 nm के फेब्रिकेशन के ऊपर बना हुआ है। साथ ही में इसमें आपको माली G72 MP3 का GPU भी है। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि A50s हो या फिर A51 हो, इनमें भी 9611 ही है। इसमें आपको एक प्रॉब्लम आती है कि थोड़ा सा हीट जल्दी होता है कंपेरेटिवली स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के मुकाबले में। तो देखना होगा कि, अब तक तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, जैसे मैं इसके ऊपर गेमिंग वगैरह टेस्ट करूँगा तो मैं देखूँगा कि इसके ऊपर यहाँ पे कितना हीटिंग प्रॉब्लम है या फिर हीट होता है या फिर नहीं होता है। तो बिल्कुल डिफरेंट है ए सीरीज़ का एक्सपीरियंस और एम सीरीज़ का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आई थिंक इसका मुझे जो है परफॉर्मेंस अच्छा मिले तो मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर नहीं अच्छा मिलता है तो वो भी आपको मैं बताऊंगा, तो उसका आपको ज़रूर से वेट करना होगा। अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आपको जो है वो एंड्रॉयड 10 मिलता है और One UI 2.0 भी मिलता है। तो ऐसे में लेटेस्ट अपडेटेड है OS और UI भी, जल्दी इसमें 2.1 की अपडेट भी आएगी, तो जैसे आती है मैं इसके बारे में आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। इस फोन में आपको वाइड 11 का सपोर्ट भी है, तो आप यहाँ पे Amazon और Netflix जैसे कंटेंट जो है वो HD में स्ट्रीम कर पाओगे, तो यहाँ पे वो भी कोई आपके लिए दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की, तो इसमें आपको बैक में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलता है, जो कि एक्यूरेट है और बहुत जल्दी जो है वो ओपन भी हो जाता है। तो यहाँ पे फास्ट है और कोई दिक्कत नहीं है। फेस लॉक की बात करें तो ये भी जो है वो फास्ट ओपन होता है, इसमें भी कोई दिक्कत आपको देखने नहीं मिलती। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 14,000 के रेंज में एक अच्छी डील है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जो सभी डिटेल्स बताई, तो यहाँ पे ये जो है एक अच्छा फ़ोन हो सकता है अगर आप नॉन चाइनीज ब्रांड को ख़रीदना चाहते हो। तो एक्चुअल में मैंने आपको इसके सभी डिटेल्स के बारे में, स्पेक्स के बारे में बताया है, और आगे चल के जब मैं टेस्ट करूँगा तो इसके सभी डिटेल्स आपको बताने वाला, जैसे कि इसका PUBG टेस्ट, हीटिंग होता है या नहीं, ड्रेन होती है नहीं बैटरी, बैटरी कितने जल्दी चार्ज होती है, सब कुछ मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा आगे चल के। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे आप सवाल कर सकते हो। अगर आपके पास में M21 भी है और कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर चेक कर सकूँ और आपको सोल्यूशन दे सकूँ। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल को दबा करके ऑल भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।